सारे भाई ने राम राम दोस्तों, में प्रदीप संधु भाई, हम लोग हैं खटखट टोल पर। खटखट टोल पर भाई आप लोग पीछे देख रहे, एक बड़ा काफिला वो जो हम किसानों का अभी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचा है, एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरा किसानों का जो काफिला है वो खटखट टोल पर पहुँच चुका है। ये खटखट टोल की आप तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर युवा साथी उनसे बात भी करेंगे, तो लगातार बने रहिए हरियाणा दल के साथ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। मैं सुमित नाम है भाई, गांव बड़ौदा से हूँ। तो आज बाइक रैली क्यों निकाली भाई आपने? तो बाइक रैली निकाली भाई साहब, बाइक रैली तो एक ये सरकार को ये दिखाने के लिए निकाली है कि सरकार कहीं ये बड़े खेमे ना रह जाए भाई, जो किसान मजदूर वर्ग है वो मंदा पड़ चुका है, उसके लिए हमने आज गांव बड़ौदा से हजारों की संख्या में बाइक, बाइक अकेले बाइक नहीं है, बाइक गाड़ियां ट्राले ट्रैक्टर ट्राली आप देख सको हो, हाँ तो हजारों की संख्या में पीछे बड़ा ट्राला भी है भाई साहब, आप दिखाइए अपने कैमरे के माध्यम से। आज काफ़ी हजारों की संख्या में टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं ताकि सरकार को ये पता चल सके भाई, जनता है जो किसान मजदूर वर्ग है वो मंदा नहीं पड़ा है, उनकी ताकत है वो डबल दिन की दिन डबल होती जान लग रही है। लेकिन आज युवाओं की संख्या ज़्यादा देखने को मिली है, क्या कारण है कि युवाओं को आगे आना पड़ा? युवाओं को जब बार बार हमारे बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो उनकी जो स्थिति है उनको देख मद्देनजर रखते हुए उनको देखते हुए आज हमारी मजबूरी बनी। पहले हम चाहते थे कि हमारे बड़े आगे रहें, हम पीछे रहें, पर आज भी हैं हमारे बड़े आगे, बड़े हमारे आगे रहेंगे, उनकी अगुवाई के अंदर हम चलाएंगे और फिर उनकी स्थिति जो बार बार सरकार लाठी चार्ज कर रही है, इसलिए हम लाठी उन पर नहीं पड़ने देंगे, लाठी हम खाएंगे। तो इसलिए हमने आज आगा युवा शक्ति ने आज आगे आना पड़ा। आप देखिए गांव बड़ौदा से ट्राले के साथ, देखो भाई बड़े ट्राले भी हैं, बाइक है भी हैं, बाइक रैली निकाली है, बड़े ट्राले हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों से आए हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।